प्रिया चक्रवर्ती की दो वीडियोस दोनों वायरल हो रही हैं। एक जो उन्होंने कल डाली थी, जो ये ब्लैक ड्रेस में पहनकर ये अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर मजाक मस्करी कर रही है, जहां पर वो कह रही है कि मैं डॉन हूँ, मैं असली ताई हूँ, मैं लोगों से हफ्ते वसूल करवाती हूँ और न जाने क्या क्या। आयरॉनिकली ये सारी चीज़ें अब सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं आफ्टर द FIR दैट वॉज लॉन्च बाय सुशांत सिंह फादर। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये पूरी वीडियो है, इट्स हैज द फुल टेक्स्ट एंड एवरीथिंग दैट शी सेड दैट नाइट। यू कैन डिस्कार्ड इट ऑन एनी अदर डे सेइंग दैट जब हम फ्रेंड्स में नशे में धुत होकर मस्ती करते हैं तो हम कुछ भी बोलते हैं, डजंट मीन दैट वी रियली आर दैट पर्सन। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जितने भी बयान आ रहे हैं रिया के खिलाफ आ रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिंह का पुराना बॉडीगार्ड हो, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, चाहे वो उनके सर्वेंट्स हो, चाहे वो उनका ट्रेनर हो, सुशांत सिंह का पर्सनल ट्रेनर, और ऑफ कोर्स चाहे वो सुशांत सिंह की फैमिली हो। तो आप ये वीडियो पहले देखिए, पूरा वीडियो देखिए, वॉच टिल एंड। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ द टू कॉन्ट्रास्टिंग फेसेस ऑफ रिया चक्रवर्ती। प्लीज टेक अ लुक। कांट ईट पनीर, एग, चिकन, नॉट प्रोटीन शेक्स टुमारो, कर्ड दाल राइस, हेंस डिपेंडिंग ऑन दिस। अपन को क्या फर्क पड़ता है तू कर्ड का है, दाल का है, तू चिकन ना का है, अपन को क्या? ओह ब्रो, लविंग दिस। ये रंगा नाच कर रही लड़कियां क्या मिलेगा? अपन भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है, अपन नंगा नाच किया, बहुत टाइप इंस्टाग्राम पे ग्रुप किया, पर अपन को ऐसा लगा कि अभी अपन का कंट्री रेडी नहीं है। आई शपथ, ऐसा ऐसा गंदा गंदा लड़का लोग अपन को मैसेज करने लगा, अपन बोला अपन तुम्हारी ताई है, ताई में रख लो, समझ नहीं आता अभी लोगों का बच्चा बिच्चा पैदा होता है नहीं है कि उसका भी इंस्टाग्राम हैंडल चालू कर रखे, नाम दे दिया है कि बच्चा बड़ा होगा तो ये लोग ये देखेगा तब तक इंस्टाग्राम नहीं रहेगा, गिफ्ट फॉलोअर्स 3000 फॉलोअर्स। तुम्हारा मम्मी डैडी बहुत प्यार किए तुमको, जैसे ही तुम पैदा हुए तुमको छोड़ो फोटो लेने लगे, तुमको टच नहीं करा, बस टोपी सेट करने के लिए टच किया कि अच्छा दिखे, सबको लगे अपना प्रोडक्ट जो है अच्छा बना है, अच्छा बना है, सुंदर, उसमें पैसा वैसा खर्च करके टोपी वोपी लगा के मस्त महंगा ब्रिज कैंडी में करने का लोकेशन डाल देगा, ब्रिज कैंडी तुम्हारे पास पैसा। अब उससे बच्चे को क्या फर्क पड़ता है, अपुन ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली, अपुन को कोर्ट मत करना, अपुन को कोर्ट करेगा तो अपुन बोलेगा नहीं बोला ऐसा हुआ था अपुन के साथ एक बार, अपुन का भाई है एकदम छोटा गुंडा जैसा है, अपुन ही कॉपी करता है, अपुन जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है, वो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ, छोटा गुंडा। तो अपुन ने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े खिले लग रहे हैं आजकल, तो कुछ डाला वाला क्या उनके अंदर ड्रिंक विंक में, तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपुन जाके बोलेगा तो बोल, मैं अपुन डिनाई करेगा, तो बोला मेरे सामने बोला मजाक में बोला, अपुन बोला सवाल ही नहीं कि अपुन अपनी आई और अपुन के बाबा के बारे में ऐसा कुछ बोले, सवाल ही नहीं, आई शपथ गन्नू शपथ सब खाया अपुन, तभी उसके मुंह में आ गए थी फटने में, वो बोलता अल्लाह ऐसा झूठ बोलती, तभी अपुन ताई बन गया, अपुन ताई है, अपुन को पता है ये छोटा लड़का लोग छोटा बुड्ढा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना, इसका ऐसा अपुन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता है अपने आप को, पता नहीं अपुन ताई है ताई लोग का क्या है, अपुन थोड़ा अपुन का क्लास थोड़ा अलग है, ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपुन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोकरे तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हूँ, उसको लगता है अपुन का बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपुन के ऊपर है,
बता भी नहीं सकता ये सब रिकॉर्ड में। और उसके बाद देखिए जो अभी आया है ये वीडियो, अब ये देखिए आप। आई बिलीव दैट आई विल गेट जस्टिस इवन दो अ लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग्स आर बीइंग सेड अबाउट मी इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माय लॉयर्स एज द मैटर इज सबजेक्टिव सत्यमेव जयते। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन से उन्होंने ये कहा है कि मुझे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है और मुझे जस्टिस मिलेगी, सत्यमेव जयते। एंड में कह रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज मेरे लॉयर ने मुझे मना किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तरह तरह की चीज़ें मेरे बारे में बोल रही है। पर कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेशंस में मदद नहीं कर रही है, क्यों वो छुपी सी फिर रही है, व्हाई इज शी एब्सकॉन्डिंग, फरार क्यों हो चुकी है। अनडिस्क्लोज लोकेशन से एक वीडियो किसी को भेजा है जो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती इतनी पावरफुल है कि एक अनडिस्क्लोज लोकेशन से वो एक वीडियो भेज सकती है लेकिन दो स्टेट्स की पुलिस मिलकर उनको अरेस्ट नहीं कर सकती? एंड देयर इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑल्सो इन्वॉल्व। ये जो एजेंसी है ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को चेक करती है और उनको इन्वेस्टिगेट करती है, ये भी उन्हें नहीं पकड़ सक रहे हैं। आपको क्या लगता है दैट रिया चक्रवर्ती इज जस्ट अ पॉन इन दिस एंटायर थिंग? क्या उनकी और उनकी फैमिली को यूज़ किया जा रहा है फॉर अ बिगर कॉन्स्पिरेसी? आर बिगर नेम्स इन्वॉल्व, आर मोर पावरफुल पीपल इन्वॉल्व इन दिस कॉन्स्पिरेसी जो सामने नहीं आ रहे हैं और जो रिया चक्रवर्ती के पीछे उन्होंने सारी फोर्स को लगा दिया है? एंड नाउ शी इज गोइंग अक्रॉस ट्राइंग टू सेव हर फेस एंड ट्राइंग टू सेव हर डिग्निटी एंड ट्राइंग टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम बींग अरेस्टेड। वॉट आर योर थाट्स ऑन दिस? मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।